बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 वर्कबुक यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शंस कॉन्सेप्ट चेक। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग थिंग ग्रो व्हेन दे आर डैश व्हेन दे आर स्मॉल। ग्रोथ स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स एट सम स्टेज इन डैश एट सम स्टेज इन अडल्टहुड। All living things move. Movement is called dash. It uses up energy. Movement is called locomotion. All living things need energy. How do the following living things get their energy? Living things को energy की ज़रूरत होती है, तो ये वाले जो living things नीचे दिए हुए, ये कहाँ से energy हासिल करते हैं? Part A है ant line. They trap ants. Ant line ants खाती है. इसके बाद B है Rafflesia. इट लिव्स ऑफ द फूड मेड बाई अदर प्लांट्स। ये जो है फूड मेड बाई अदर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सी पार्ट है एप्पल ट्री बाय फोटोसिंथेसिस। डी पार्ट है शार्क वाटर एंड स्मॉल फिशेस। नेक्स्ट देखें एक्टिविटी दी हुई। सलमान सॉर्टेड सम एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स बिलो अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। ए है व्हाट डू यू थिंक दिस क्राइटेरिया वर लेबल द सर्कल। सलमान जो है नीचे ये जो दिए हुए एनिमल्स इनको लेबल करता है, इनको जो है अलग अलग करता है। आपने बताना है कि ये कहाँ पे रहते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले है वेल शार्क एंड सी हॉर्स। उसके बाद है टाइगर डॉग एंड हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है ऐड दीज एनिमल टू द करेक्ट सॉर्टिंग सर्कल। जेब्रा एंड गोल्ड फिश। जेब्रा एंड गोल्ड फिश को इन करेक्ट सॉर्टिंग एरिया में हमने रखना है। तो जाहिर सी बात है गोल्ड फिश जो है वो फिश वाले में आएगा और जेब्रा जो है वो एनिमल्स वाले में आएगा। अब लिव इन वाटर एंड स्विम। ये जो फिशेज हैं पानी में रहती हैं और तैरती हैं। और ये जो एनिमल्स हैं लिव ऑन लैंड एंड वॉक। ये जो हैं ज़मीन पर रहते हैं और चलते हैं। थैंक यू।